हेलो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी मैंने जीके की कुछ वीडियोज अपलोड कर रखी हैं और यहाँ पर मैं जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप लोगों को पर डे प्रोवाइड कराता रहता हूँ और आगे भी चलती रहेगी ऐसी जब तक कि आपके NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वही आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी तरह की जीके की पर डे टॉप 10 वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जो आपकी फूड पाइप होती है उसकी लंबाई आपको यहाँ पर बताना है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 9 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा आहार नाल की लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के किस भाग से मीठे का पता चलता है? जीभ जो आपकी होती है यानी कि टंग, ठीक है, ये जीभ नहीं होगा, वो मिस प्रिंटिंग हो गई है। TUNG, टंग, जो जीभ होती है उसको मीठे स्वाद का पता कौन से भाग से होता है? आगे के भाग से, पीछे के भाग से, मध्य के भाग से या फिर बगल के भाग से? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्रभाग से मीठे का पता चलता है हमारी जीभ को, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपका पिछला भाग होता है यानी कि पश्च भाग होता है, यहाँ से पता चलता है कड़वे का पता, ठीक है। और आपका जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है स्वाद के डिटेक्शन में, ठीक है। और आपका जो बगल के जो साइड्स होते हैं, यहाँ पर पीछे की जो बगल के साइड होती है उससे खटापन पता चलता है, और जो मध्य की जो बगल की साइड होती है उनसे सॉल्टी पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या होती है? यहाँ पर जो हमारे दूध के दांतों की संख्या होती है ये 20 होती है। आपको पता होगा कि अडल्ट जो हो जाता है तो अडल्ट में यहाँ पर जो दूध दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, बट यहाँ पर जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई होती है? यहाँ पर आपको बड़ी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई और आपकी जो भी मैंने बताया था आहार नल की लंबाई, ये तीनों क्वेश्चन आपको काफ़ी कहीं ना कहीं आपको सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें बताना है बड़ी आंत की लंबाई होती है, तो जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, और आपकी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है कितनी? छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर होती है यहाँ पर हमारी छोटी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की आपकी हो जाएगी 1.5 मीटर और छोटी आंत की हो जाएगी उसकी हो जाएगी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है? गैस्ट्रिक जूस जो कि आपका होता है उसका pH मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है 1 से 3 pH के बीच में, 1 pH से 3 pH के बीच में गैस्ट्रिक जूस का मान होता है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज कहाँ से होता है? ये होता है आपका अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? देखिए, आपका जैसे ही आप फूड को लेते हैं, आप अपने मुंह के थ्रू आप जब फूड को लेते हैं तो यहाँ मुंह से ही आपका, जैसा कि आपको पता होगा कि मुंह से ही आपका जो पाचन है भोजन का वो शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपके फूड में अवेलेबल होता है उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है यहाँ पर आपको बताना है। सॉरी, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुख गुहा से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? इसी तरह का क्वेश्चन आपका जैसा अभी पिछला बताया है, जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ से होता है बताना है, और जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो तो मुख गुहा से होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया है। यहाँ पर बताना है हमें प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, जो प्रोटीन होता है उसका पाचन होता है अमाशय में, राइट, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। और अभी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि वसा का पाचन कहाँ से होता है, यहाँ पर हमें बताना है वसा का पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पाचन जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो मुख गुहा होती है यहाँ पे आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, और जो छोटी आंत होती है यहाँ पे आपका हो जाता है वसा का पाचन, राइट, वसा का पाचन जो है यहाँ पर छोटी आंत में होता है, और जो आपकी बड़ी आंत में होता है यहाँ पर आपका जो वाटर होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है अब्जॉर्ब करता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का आयतन होता है?
जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है यहाँ पर 60%, ठीक है। आपके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका जो वॉल्यूम है 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो किया गया था डॉक्टर सीएम बर्नार्ड के द्वारा, डॉक्टर सीएम बर्नार्ड ने किया था पहला हृदय सफल प्रत्यारोपण। सो गाइस, यहाँ पर हमारे टॉप 10 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो जाते हैं, और इसके बाद में भी आपको डेली के डेली जीके के वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, अभी 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इसी तरह के वीडियोज़ पहुँचाते रहने के लिए उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर एक और खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पर डे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जितने लोगों का, ज़्यादातर लोगों का बोलेंगे कि करंट अफेयर की डेली वीडियोज़ लेकर आइए, और क्या टाइमिंग रहेगा वो भी आप लोग बता दीजिए, तो उसी हिसाब से मैं करंट अफेयर की डेली वीडियोज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।